गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मींस क्या हुआ, अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ठीक है और उनको हमको इक्विवेलेंस दिखाना है, मींस क्या हुआ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू बी, जैसे कि बहुत सारे बुक्स में ठीक है क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी ठीक है, या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के लिए दो वेरिएबल पर अगर वेरिएट हो रहे हो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में वेरिएट हो रहे हो ठीक है, तो उनका सोल्यूशन पूछा जाता है ठीक है, ज़्यादातर प्रूविंग में क्वेश्चन आते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है पहले ये पढ़ लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन कैसे की जाएगी। चलिए मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स जो है ए है ठीक है, ए आई जे ठीक है, ये है एम क्रॉस एन का ठीक है, और दूसरी एक मैट्रिक्स है बी ठीक है, और ये है बी आई जे आर इन टू एस का ठीक है। जब भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगी तो उनमें हम सबसे पहले ऑर्डर का चेक करते हैं, मींस क्या हुआ कि दोनों के ऑर्डर जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, मींस मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के ऑर्डर हमेशा इक्वल होने चाहिए। अब ऑर्डर इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, पहले का ऑर्डर एम क्रॉस एन है और दूसरे का आर क्रॉस एस है। अगर इक्वलिटी हमको दिखानी है तो सबसे पहला जो कंडीशन बनता है वो एम इक्वल टू आर होना चाहिए, मींस पहले वाले मैट्रिक्स का एम मतलब रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, दोनों इक्वल होने चाहिए ठीक है। दूसरा कंडीशन जो बनता है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम्स एन दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम एस के इक्वल होने चाहिए ठीक। अच्छा अभी तो ये जनरल फिनोमिना हो गया ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग ठीक है। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि मान लीजिए ये है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सपोज ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स है बी ठीक। मान लीजिए इसको एम वन एन वन एम टू एन टू ठीक। ध्यान से देखिए, पहले वाले मैट्रिक्स का अगर ध्यान से देखा ना तो टू क्रॉस टू का इसका ऑर्डर है, दूसरे वाले मैट्रिक्स की बात करें टू क्रॉस टू है ठीक है, एम इन टू एन पहले वाले मैट्रिक्स के लिए, दूसरे वाले मैट्रिक्स के लिए आर इन टू एस, एम इक्वल टू आर पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है ठीक है, दूसरा कंडीशन एन इक्वल टू एस टू इक्वल टू टू फुलफिल हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है हम इक्वलिटी दिखा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हमारे किसी न किसी वैल्यू पर ठीक है सॉल्व होंगे ठीक। अब जो भी जिस भी वैल्यू पर ये सॉल्व हों के आंसर जो आएगा इनका, मीन्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कहानी बस इतनी है, आप लोगों के सिलेबस में है, बुक्स में देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ठीक है कमेंट बॉक्स में जाइएगा।